हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जिया श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में, जिसमें इस समय हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की अबाउट फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर है जरा याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे नंबर वन पर ओराई साइट होना चाहिए, नंबर टू पे क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप की क्लोनिंग साइट्स याद करो, कम से कम पप्पू एक चोर हम बहुत शरीफ, कितने सारे क्लोनिंग साइट्स पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। दो सेलेक्टेबल मार्कर थे उसमें, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। और इसके अलावा उसके पास रोप साइट होनी चाहिए, जहां पर वो इनकोड करता है वो प्रोटीन को जो कि उसको रेप्लिकेट करने में मदद करे। ये सारी चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोगों ने एक थोड़ा प्रोसेस पढ़ा था, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सो इसलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिमाइंड करेंगे। चलिए देखिए जरा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका प्लाज्मिक फैक्टर है, यहाँ पर आपका कौन मौजूद है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, रेजिस्टेंट साइट मौजूद है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट मौजूद है। ठीक है, अब आपने क्या किया, कि यहां से ये एम्पीसिलिन तो है, अभी इसके पास एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस है, लेकिन बच्चों ये कट के यहां पर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग ग्रोथ मीडियम में ग्रो कराएं, एक ऐसा ग्रोथ मीडियम ले, ये दूसरा ग्रोथ मीडियम ले, इसमें आपने भर दिया एम्पीसिलिन नाम का एंटीबायोटिक और इसमें आपने भर दिया टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक, आपने भर के रख लिया इसमें, इसको ग्रो कराओगे। सोचो जरा, विचारो, अपने आप सोचो, इसको अगर इसमें ग्रोथ कराया जाएगा तो बेटा एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट अभी इसके पास है, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये अभी विरोध करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट साइट इसके पास होने के कारण वो इस मीडियम में ग्रोथ करेगा। ये अगर इधर आ गया तो ये ग्रोथ करेगा, इसको फिर से एक बार समझ रहे हम लोग। ठीक है, और अगर ये इसमें चला गया, मान लीजिए इसमें आपने भेजा, तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस साइट तो खत्म हो चुका है। टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस साइट अगर खत्म हो जाएगा तो उसको इसमें ग्रोथ कराओगे तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस साइट अगर खत्म हो गया तो विल नॉट ग्रो का कॉन्सेप्ट कल आपको बताया था, समझ में आई एक बार। चलिए इतनी बातें समझे, तो जो ग्रोथ नहीं करेगा वो क्या बना दिया, वो बना दिया रिकॉम्बिनेंट, और जो ग्रोथ नहीं किया वो क्या कहलाया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इतनी छोटी बात आपको समझ में, जो ग्रोथ कर गया वो क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेंट, और जो ग्रोथ नहीं किया वो क्या कहलाया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसी नॉन रिकॉम्बिनेंट का दूसरा नाम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी हो सकता है, इसका मतलब उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और इसी रिकॉम्बिनेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें ट्रांसफर हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ट्रांसफर हो गया। ये बात समझ में आ गई सभी को बच्चों। चलिए एक लाइन और समझते हैं हम लोग, एनसीईआरटी साफ कहती है कि जिसमें डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स होते हैं वो वाला वेक्टर बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, क्यों, रेस्ट्रिक्शन डिजाइन कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इतने सारे क्लोनिंग साइट, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन साइट आपके पास थे, PVU1, PST1, Clay1, Hind3, Cell1, BAM H1, तो रेस्ट्रिक्शन साइट कहां जाके काटेगा भाई, थोड़ा कंफ्यूजन होगा उसको। तो मोर देन, यानी कि मोर रेस्ट्रिक्शन साइट या मोर क्लोनिंग साइट आप समझ लें, क्योंकि क्लोनिंग साइट्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो मोर क्लोनिंग साइट्स आर नॉट गुड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा क्लोनिंग साइट वाला वेक्टर का चुनाव नहीं करते। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर एक बात सुनिए। अच्छा, एक यहां पर जीन स्प्लाइसिंग लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन समझ लो बच्चों। देखिए, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू डीएनए प्लाज्मिड विद लाइगेज एंजाइम इज कॉल्ड जीन स्प्लाइसिंग। इसका मतलब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने इस डीएनए प्लाज्मिड में एंटर करवाया है, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इस प्रोसेस को कहा गया जीन स्प्लाइसिंग। बहुत बार डेफिनेशन आपके बोर्ड्स में पूछी गई है। ओके, ये बातें समझ में आ रही सभी को बच्चों। लेकिन जो ये प्रोसेस हमने कल पढ़ी, थोड़ा सा उसी का आज रिमाइंड किया हम लोगों ने,
ये प्रोसेस अपने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार। पहले ढूंढो इतने सारे मोनोसाइट्स के बाद, फिर करो उसमें एंजाइम डालो, एंजाइम डाल के कट करो, डीएनए प्लाज्मिड खोजो, मतलब काम, और फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट की पहचान करो। बड़ा दुविधाजनक चीजें हैं इसमें, बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर का चुनाव करेंगे। तो उसके बारे में अब स्टडी करते चलिए बच्चों, उसके बारे में स्टडी करेंगे अब हम लोग। देखिए, अगर हम लोगों को सिलेक्शन करवाना है रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में, तो वी सेलेक्टेड अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, वी सेलेक्टेड अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। अब एक बात समझो, देखो हमारे बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे, दो मिनट की बात है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए। हमारे बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम होता है जो उस बैक्टीरिया को ब्लू कलर की कॉलोनी देता है, प्रोवाइड ब्लू कलर टू द कॉलोनी। अगर जिस बैक्टीरिया में मौजूद है उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में ब्लू कलर आएगा, ठीक। अच्छा, अब इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रयोग करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की जान पहचान करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं देखिए जरा। फॉर एग्जांपल, ये आपका डीएनए प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें ये पार्ट, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पार्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस कर रहा होगा। ये बात समझ में आई? तो एक किस कलर का होगा इस समय, बोलिए सब लोग, ब्लू कलर का होगा, वेरी गुड। अब हमको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए इसी पार्ट को कट कर देना है। कर दिया भाई। अब अगर इस पार्ट को कट कर दिया बच्चों, और इसी पार्ट में हमने क्या लगा दिया, एक डिफरेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? डिफरेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाला जीन तो गायब हो गया, तो क्या ये कोई कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपकी व्हाइट कलर की कॉलोनी बनेगी, यहां पर आपकी व्हाइट कलर की कॉलोनी आएगी, मतलब ब्लू कलर तो नहीं ही शो करेगा। ये ब्लू कलर देगा, ये व्हाइट कलर देगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों देखो, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला आपने कोई एंजाइम लिया, मतलब कोई प्लाज्मिड लिया आपने, और फिर उसमें आपने जीन क्लोनिंग करवानी चाहिए, ठीक है। अगर जीन क्लोनिंग इसी साइड से हो गई तो जाहिर सी बात है वो कॉलोनी व्हाइट कलर की देगी, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बताइए बच्चों, रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो बना है इसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं, इसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं, वो जो ब्लू कलर का था वो अभी अपनी जगह मौजूद है, वो मल्टीप्लाई करके मौजूद है, उसमें क्लोनिंग हो ही नहीं पाई। बार बार इस बात को बताया जा रहा है बेटा, ये हम लोग अपने हाथों से नहीं करते, माइक्रो लेवल पर होता है, टेस्ट ट्यूब में जो मॉलिकुलर लेवल पर ये सब जो चीजें होती हैं ये हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं डायरेक्टली। तो इसमें अगर चेंज देखना होता है ना, तो फिर हम लोग देखेंगे अच्छा ब्लू कलर की कॉलोनी आ गई तो इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, अच्छा व्हाइट कलर की कॉलोनी आ गई तो इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हटके वहीं पर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा है, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट बन गया है। बात समझ में आ गई? तो अगर व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोसेस करने के बाद आई तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया, लेकिन अगर ब्लू कलर की ही कॉलोनी आई तो इसका मतलब बच्चों रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, अभी भी ये क्या है, अभी भी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो जो व्हाइट कलर की कॉलोनी होगी उसको हम लोग सेपरेट आउट करके उसका यूज नहीं कर लेंगे। कितना इजी टेक्निक है और फास्ट प्रोसेस है। समझ में आई बात? समझ में आई? एकदम क्लियर रखिए बच्चों इस चीज को। एक बार फिर से दोहराते हैं कि हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग किया, और उस अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में हम लोगों ने एक एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन लिया जो कि नाम था उसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बैक्टीरिया को ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोवाइड करा रही थी, ठीक है। अब ब्लू कलर की कॉलोनी जो है
उसमें अगर हम लोगों ने क्लोनिंग करवाई तो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसी प्लेस में डाला, यानी कि उसका ब्लू कलर जो जिस कारण वो दे रहा था वो एंजाइम तो हट गया, तो अगर वो एंजाइम हट गया तो ब्लू कलर तो देगा नहीं, यानी कि वो व्हाइट कलर देगा, यानी कि वहां पर रिकॉम्बिनेंट बन गया, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिकॉम्बिनेंट। लेकिन अगर ब्लू ही कलर आया तो जाहिर सी बात है कि रिकॉम्बिनेंट तो नहीं बना, तो वो क्या हुए, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हुए। तो इस तरीके से हम लोग इजीली रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिए कि नहीं कर लिए, बिल्कुल कर लिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक टर्म और कहते हैं, देखिए इसी को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बोर्ड्स में कई बार बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सेम यही प्रोसेस है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जहां से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाला जीन मौजूद है वो पॉइंट काट कर वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा दिया जिसके कारण उसकी वो प्रॉपर्टी इनएक्टिवेट हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अब आपका ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है जिसमें आप सेलेक्ट कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमको काम सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स का है बच्चों। तो रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में हमने जान पहचान कर ली, रिकॉम्बिनेंट्स को सेपरेट कर लिया, अब इन्हीं रिकॉम्बिनेंट्स के द्वारा हम लोग उसको आगे स्टेप में यूज करेंगे। तो बस नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए जिसमें हम लोग इस बात की स्टडी करेंगे कि हाउ कैन वी सेंड दिस वेक्टर इनटू होस्ट सेल। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टेप नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेज रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।